टामर कहाँ डलता है? साइड में डलता है, बीच में कोई चेक ही नहीं करता। ये टोल भी ले रहा है भाई। अभी हम प्लास्टिक सेक्शन में घूम रहे हैं। पान मनोहर अमृत तो हमारा अल रहमान होट एट है पेटाल है। देखो चेहरे में टेंशन देखो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं कार से छिंदवाड़ा, जो कि हमारा कुछ काम है, हमको कुछ सामान लेना है हमारी शॉप के लिए, जो कि जिसकी ओपनिंग एक दो दिन में होने वाली है। हमारे साथ है अमन भाई सिंधी। चलिए आगे मिलते हैं। जैसा कि हम आप सबको बता रहे थे गाइस, ये है वो रोड, देखिए गड्ढे। अरे गड्ढे देखो भाई, गड्ढे मतलब हमारे विधायक हमारे सांसद को कोई मतलब नहीं, कोई मर जा हमारे अमन इनका। हाँ किससे मतलब है? ओनली टोल से, टोल से मतलब है। अमन भाई की गाड़ी का एक साइड झुकी है, उस साइड गाड़ी झुकी हुई है, क्योंकि अमन भाई ने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे हैं। क्यों अमन भाई? यही रोड, ये है रोड, इसको बोलते हैं रोड। फिर भी बस वाले को देखो कैसे भगा रहा है। हाँ तो सचिन टिचकुले कंपनी ने ली है। तो अमन भाई डामर कहाँ डलता है? साइड में डलता है, बीच में कोई चेक ही नहीं करता। बीच में कोई चेक नहीं करता इसलिए ये देखो, लेकिन बीच में ऐसा चेक क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे, रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में करनी। ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग। ये हमारे थार वाले भाइयों के लिए और साइड से हमारे लिए, ये दोनों का ख्याल रख रहे हैं। टोल भी ले रहे हैं बैठ के। थोड़े से गड्ढों में हमारी थोड़ी सी रोड, आधी रोड गड्ढा है आधी रोड रोड है। हम जा रहे हैं छिंदवाड़ा। अमन भाई डर गए हैं कि अमन भाई को वहीं रुकवा देंगे। अमन भाई की कार है इसलिए अमन भाई को डर लग रहा है कहीं छिंदवाड़ा में न रुकवा दें। दिलासा के लिए क्या बोले थे विशाल भाई तुमने? मैंने दिलासे के लिए बोले थे भाई पेशी है करके कल हमारी, लेकिन पेशी पर्स। और ये है एक बंद हुई फैक्ट्री, जिसको इंग्लिश में अबैंडन्ड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, इसको क्लोज फैक्ट्री भी बोल सकते। अरे क्या बात है विशाल भाई, क्लोज फैक्ट्री है ये। ये बनी थी अंग्रेजों के जमाने में और अब ये सिर्फ भूतों के काम आती है। अभी लोगों को विजन अच्छे नहीं आ रहा, भाई के अच्छे से देखेगी ये। अब ये सिर्फ भूतों के काम आती है, यहाँ भूतों का उठना बैठना है, इंसान अब जाना बंद कर दिया इंसानों ने। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊँ, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। सो गाइस हम पहुंच गए हैं छिंदवाड़ा। चंद मिनट में हम छिंदवाड़ा में एंटर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे गोयल वाले के पास, हमको प्लास्टिक का कुछ सामान लेना है। उसके बाद जाएंगे हम साबुन फैक्ट्री, वहाँ से भी हमको कुछ सामान उठाना है। फिर उसके बाद जाएंगे हम हमारी शॉप मनोहर अमृतोल्य, और उसके बाद देखेंगे खाने वाने का क्या सीन है। अमन भाई VIP सेटअप करा रहे हो कहते तुम भाई, तुम लेके आए हो तुम्हारी तरफ से पार्टी। कौन सा मिलेगा तुम? नया ही मिलेगा। तो भैया देखो ना यार, पत्रकारों ने 514 प्रो का रेट मिल रहा है। गाइस हमने 14 प्रो पता कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं है लेने की, 14 प्रो लेंगे। गाइस हम लेने जा रहे हैं 14 प्रो कन्वर्टेड XR। कन्वर्टेड XR का 15 प्रो मैक्स लेने की सोच रहा हूं मैं गाइस। क्या मतलब सस्ते फोन लेने से, फोन गिफ्ट करना है किसी को, गिफ्ट करना है गर्लफ्रेंड को, गिफ्ट करना है मेरे को। भाई हम नए फोन, मेरी सेकंड हैंड में विश्वास नहीं रखते, नो फाइनेंस।
ओनली कैश, कैश में डील करते हैं हम लोग, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। छिंदवाड़ा बहुत जो ये आ गया, वेलकम टू छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा मध्ये तुमचा स्वागत आहे। हमारा डिस्कशन चल रहा है गाइस कि हम पहले दुकान जाएं कि गोयल वाले के पास जाएं। बताओ अमन भाई कैसा करना है, जैसा लगे सही भाई वैसा। तो हम सोच रहे हैं गोयल वाले के यहाँ जाते हैं पहले। विशाल भाई ने नाश्ता नहीं करके आया, ये सोच के कि हम इनको नाश्ता करवाएंगे, लेकिन ये हमको भी नहीं पहचानते। हम हो गए नीचे से, अब हम जा रहे हैं गोयल स्टील्स। अभी हमने सिंधी को भिजवाए पार्किंग का पूछने के लिए, यह है गोयल एंटरप्राइज। तो गाइस हम आए थे गोयल वाले के यहाँ अंदर, तब सब सामान हम देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। गाइस सब है यहाँ पे, सब थोक रेट भोपाल का ही रेट लग जाएगा। अभी हम प्लास्टिक सेक्शन में घूम रहे हैं, प्लास्टिक सेक्शन है, फिर गिफ्ट सेक्शन में जाएंगे। तो गाइस हमने बहुत सी खरीदी कर ली है, पूरे 50,000 की। अमन भाई थक गए हैं, हमारे विशाल भाई भी थक गए हैं, और बस सब खाना खाने जाएंगे। विशाल लेगा क्या? विशाल के लिए ये लेना है, विशाल विशाल का काम है ये, थोड़ा रोटी वोटी बेलना। घर के लिए ले रहा है क्या? गाइस हमारी खरीदी हो गई है और जस्ट अब हम पहुंच रहे हैं हमारी शॉप, हमारी शॉप जस्ट पास में है। अमन भाई भूख लग रही है क्या? नहीं विशाल भाई, तुमने तो नाश्ता भी नहीं करे। विशाल ने नाश्ता इसलिए करके नहीं आया, विशाल सोच रहा था हम इसको नाश्ता करवा देंगे, लेकिन इसको अब पता नहीं कि हम कौन है, हमने घर से करके आ गए थे नाश्ता। पैसा बचाना चाहिए जब भी बाहर जाओ, तो ये पैसे बचाने वाले नहीं, ये पैसे उड़ाने वाले आदमी है। ये हम कहते हैं गाइस पैसा बचाओ, नाश्ता घर से करके। ये आ गई हमारी शॉप पास में, ये हमने लगाया इंडिकेटर और ये हमने लगाया दुकान के सामने हमारी गाड़ी। ये आ गई हमारी दुकान मनोहर। गए हम हमारी शॉप पे और यहाँ बैठे हमारे मोहसिन भाई, मन्नू चाचा व्लॉग बना रहा हूँ, ये व्लॉग है, व्लॉग में आ गए हमारे मन्नू चाचा भी और ये हम आ गए दुकान में। तो हाँ मोहसिन भाई क्या कहना है आपका? इसका फोन तो तेरा फोन उठाएंगे अब, तो इस लायक है तेरा फोन उठाया जाए? ऐसा ही है, ऐसे लोगों का फोन उठा के कोई मतलब भी नहीं है। ये हमारी दुकान का विजिट है हमारी। तो गाइस हम निकल गए अल रहमान होटल के लिए और पहुँच के आपको मिलते हैं अल रहमान में, जो कि छिंदवाड़ा का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक टेस्ट है। चलिए मिलते हैं गाइस। पार्किंग में लगा दी है गाड़ी और ये है हमारा अल रहमान होटल, चलिए अंदर चल के मिलते हैं। तो गाइस हमारे भाई के चल रहे हैं पितृपक्ष और यहाँ अल रहमान नॉन वेज होटल है। ये देखो अल रहमान, इनके मेन्यू कार्ड में बाहर ही मटन बना है और यहाँ है पितृपक्ष में। ये बैठे मोहसिन भाई, बीमार आदमी है ये बीमार है। और ये बैठे सोनी के मेहमान हमारे अमन भाई, जो कि जुल्फी बाबा, अमन भाई जुल्फी बाबा। तो गाइस मेन्यू ट्राई करते हैं और जब भी कुछ आता है तो आपको दिखाते हैं, बाकी तो अभी सब खाली खाली है। पल्ले में डालना चाह रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि मेरा नाम सुल्तान है, इसका दोस्त दोस्त नहीं, ये सब मेरे को मत बता पाए। अच्छा वो छोड़, वो सब छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमन ने तेरे को पार्टी नहीं दिया, तेरे को गरीब बोल दिया, तू उसको कुछ नहीं बोल रहा है यार। नहीं वो छोड़ो वो छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, इनने विशाल को क्यों दिया, जबकि विशाल के साथ वो घूमता फिरता नहीं है, है? एक गंजड़ को दे सकता है। देख भाई मैं गरीबों के साथ नहीं रहता, भाई आ गया मिडिल क्लास वाली पोस्ट में। अच्छा गरीबों के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहता, उठता बैठता ही नहीं। हाँ भाई गरीब नहीं है मैं, देख मिडिल क्लास हो गया भाई, लोअर मिडिल क्लास हो गया भाई, लोअर मिडिल क्लास है, अब दे सकता है ना, दे दे दे। तो 50 रुपए की बिरयानी खिला दी उसको, ठीक है 50 की कौवा बिरयानी खा ली भाई। ओके हाँ बोल दे, ओके ऐसे करके, ऐसे ओके कर दो। कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था भाई
गरीब पैदा जरूर हुआ मेरा भाई, लेकिन गरीब मरेगा नहीं। एक लाख फकीर मरेगा क्या, ऐसा कुछ है क्या? फकीर मर सकता है लेकिन गरीब नहीं मरेगा। एक लेवल ऊपर जरूर जाएगा गरीब से, मिडिल लोअर मिडिल सुपर लोअर मिडिल क्लास, लेकिन एक लेवल जरूर ऊपर जाएगा। उसके बाद लॉटरी में एक वीडियो बना दी दुकान के सामने से मेरी गाड़ी वाली। हाँ गाड़ी वाली, और उसमें कैसे मतलब रखी हो ऐसे, दुकान देखी उतनी चीज पहले, फिर ऐसे साइड में भी तुम तो नंगे हैं। किसी की भी गाड़ी में वीडियो डालने लगे ये क्या हरकत है, मेरी गाड़ी है, अभी खरीद लूँ, कभी पीस पुलिस वालों की, कभी कोई चाचक गाड़ी में लगे तो उसी में वीडियो डाल दी है। अब बोलते सब अपने अपने वालों की डालते, अब रोड का आदमी थोड़ी तुमको गाड़ी दे देगा। 5% देने वाले बहुत है मेरे पास, यहाँ अभी ले लेता हूँ। ब्याज में पैसे ले लूंगा, फिर पटेंगे नहीं और फिर मरने की धमकी दूंगा। भाई कर्जा करके जहर खा लो, एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, कोई नहीं मांगता। नहीं ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो, बोलिए केस हुआ था 65 लाख वाला, तुमने चाय पिला दिया था जहर। भैया मैंने पैसे दे दिए मनोहर अमृत बोल के, जो भी पैसे हैं आपके वो दे के जाना मेरे को, ये नहीं चलेगा कि तुम हमारे पैसे खा जाओ। सही बात है क्या नहीं यार उस्ताद, हमारा खाना आ चुका है, अब हम खाना खा के आपको टेस्ट बताते हैं कि होता रहता है का टेस्ट कैसा है। सर्विस एक नंबर है गाइस, खाना बहुत जल्दी आ चुका है, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर कर देते हैं। भाई क्या बोलना चाहेंगे आप, बताते हैं ब्लॉग खाना खाने के बाद। टिप वेटर की जगह भाई को दिया जाएगा, गरीब का भाई अपना चटूरे। तो गाइस खाना खा चुके हैं हम, अब हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम जाएंगे साबुन फैक्ट्री, वहाँ से माल उठाएंगे अपना, और ये हमारा कुछ दस्तरखान जिसमें हमने कचरा कर दिए। आखिर में मोहसिन भाई ने वो छोटी वाली उसका खा ही लिए भाई, मतलब पेट इतना बड़ा मोहसिन भाई का कि क्या ही बताएं आप। क्यों भाऊ कितना बड़ा पेट है बताओ, पेट पिटारा पिटारा है पिटारा। आखिर में तेरे को किलसाते तेरे को अच्छा नहीं लगता होगा क्यों? चार बिरयानी भुज जाती है रहमान की, तू 60 क्या बता रहा है? चार? अच्छा उस दिन खाया था इनने चार, क्यों ना? तो अभी तक का तो हमने मतलब चार बिरयानी अकेला आदमी का लेता, वो तो आज 6-7 गार्लिक नान खा लिया, नहीं तो दो तो लगती थी, नहीं चार ही लगती सीधे आराम के 10 मठ पी जाते। ये मैं तुमको बताने वाला था कि नेटो गेमिंग ऐप के बारे में, उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इन्हें हमको सर्व कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं दिल के भाई, ऐसे कर दो भाई, बस थोड़ी पिछली बार से ज्यादा मोटे दिख रहे हैं इस बार। रास्ते में तो बोल रही है, गाड़ी चल रही, गाड़ी में बैठ नहीं रहा तू, अबे तो बहन चो माइल ब्रदर किलसा रहे हैं, किलसा यही वाली उंगली व्लॉग में नहीं बोल सकता हूँ भाई। क्या हो गया, क्या हो गया, चित ब्रेक मार दे। अंकल घूर रहे तेरे, सुन तो दर्द। तो हेलो गाइस, हम साबुन फैक्ट्री गए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हेडेक भी हो गया हमको, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन काम हो गया हमारा साबुन फैक्ट्री का। आपको हम हमारा सामान, हमारी दुकान, दोनों चीज़ दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं हमारी शॉप की तरफ, बाहर का अब हुआ स्कैन, तो हम जा रहे हैं हमारी शॉप, फिर वहाँ से निकलेंगे सिवनी के लिए। अमूल की आइसक्रीम से अमन भाई को डसना भी है, फिर उसके बाद निकलेंगे सिवनी। ओके हम हमारी दुकान में बैठे हैं, चचा हमको VIP ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, और ये देखो बाहर खड़े होकर चाय पी रहा है, मेरे दोस्त को अंदर नहीं आने दे रहे चचा। चचा आने दो ना, चचा ने परेशान कर दिए हमको, हमको भगा रहे हैं चचा सिवनी, बोल रहे तुम भग जाओ इस दुकान से। देखो बड़ी मुश्किल से हमने येवले वाले से चार्जर मंग के लाए, वो हमसे दूध मंग के लेके जाता, हम उससे चार्जर मंग के लाते हैं। तो ठीक है भाई, मेरे भाई मोहसिन, हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है दीपांशु? ठीक है मेरा भाई। नहीं तो ये रुक रहा है ना यहाँ पर, कौन रुक रहा है? नहीं चल भाई, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, तू रुक रहा है भाई के साथ,
अरे मैं जा रहा हूं ना। नहीं गलत तरीके गाइस, हम निकल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई पंडे, ठीक है चाचा जाए जा रहे हैं, बाय बाय बोल दो। ठीक है भाई रोइयो मत हां, और रात को अच्छे से सोइयो। देखो आंखों के गड्ढे कैसे पड़ गए इसके। बोल देना थोड़ा सा घर में शादी के लिए, और तेरे घर में बोल देंगे, टेंशन मत ले। देखो 27 साल में टेंशन, देखो चेहरे में, चेहरे में टेंशन देखो। सिवनी से तो छिंदवाड़ा से सिवनी से रोड में, या सिवनी से छिंदवाड़ा रात में आ रहे हैं। आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि रोड इतना ख़राब है। वैसे तो अंधेरे में नहीं दिख रहा हूँ मैं, उजाला होना पड़ेगा। रोड इतना ख़राब है कि आप ना ही आए तो बेहतर है भाई। शाम को 7 बजे तक जो भी आपकी ट्रैवलिंग है वो पूरी कर लें। ये बैठे आसिक, कैसा सुन रहा है भाई गाना, बिल्कुल सैड। एक ये बैठा आसिक पीछे अंधेरे में, मतलब भाई किसकी याद आ रही है। कंडीशन रात में देखो, ऐसा लगता है कि फॉग आ गया है, लेकिन ये फॉग नहीं, ये तो इकोनॉमी बूस्ट करने का कुछ आइडिया हमारे मोदी जी का। ये देखो इस पे तो उतना विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन बहुत फॉग है भाई, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा भाई, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, इतनी धूल है। हमारी गाड़ी तो ऐसी लग रही है बाहर से गंदी हो गई होगी पूरी। तो गाइस हम पहुंच गए सिवनी, और व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।